तो यार ऐसा लग रहा है ये जर्नी तो यही एंड करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि तो जी वेलकम टू माई चैनल गाइज। और फिलहाल मैं अभी आपको अपने पीछे बोर्ड दिखा देता हूँ कि मैं फिलहाल अभी संधू से वसा महोग मार्ग पे हूँ। यहाँ से 8 किलोमीटर पीछे ठियोग पड़ता है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एक बहुत ही फैंटेस्टिक ऑफ बीट और एक ट्रैक पड़ता है 40-45 मिनट का, और ऊपर जाके गजब की ब्यूटी आती है। आज मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ, ये बने रहिएगा। चलिए फिर इसी बात पर ब्लॉग शुरू करते हैं। क्या फ़ायदा यार शिमला में वैसे ना गाड़ियाँ इतनी साफ रखने का, देखो लगनी तो नाली में ही है, देखो कीचड़ में, ये देखो क्या फ़ायदा। हेलो जी, क्या हाल चाल, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग। मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको एक बहुत ही अमेजिंग ट्रैक और अमेजिंग लोकेशन पे लेके जाने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जो जगह है ये ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत जगह है, रास्ते में आती हैं जैसे कि आप संजौली, ढली, कुफरी, हसन वैली जो आपको सामने दिख रही होगी, यहाँ से गुजरते हैं कुफरी, कुफरी के आगे ठियोग आता है। तो इस तरह की बहुत सारी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से होकर ये रास्ता गुजरेगा जो कि आपको काफ़ी टेम्प्ट करेगा। और आप देखेंगे कि रास्ते में आपको रिसेंटली काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी, तो आपको बर्फ़ भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसी महीने आ रहे हैं या फिर नेक्स्ट महीने मिड तक आ रहे हैं तो आपको काफ़ी बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। तो ये कहते हैं कि यहाँ से गाड़ी 1.5 किलोमीटर तक जाएगी, वहाँ के आगे गाड़ी खड़ी करके आपको पैडल ट्रैक करना होगा। 40-45 मिनट या 1 घंटे का ट्रैक होगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ठियोग मैंने बता दिया, ठियोग पहुँचेंगे। ठियोग से आप जो है, मैं फ्रंट कैमरा से आपको दिखा देता हूँ, ये है जी जगह। अगर आप ध्यान से पहचान लेंगे इस जगह को तो आपको ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा वहाँ। और ये सामने को ठियोग की तरफ चला गया, ये सामने की ब्यूटी आप देख सकते हैं। यहाँ से जो रोड आपको जा रहा है सामने, यहाँ पर लिखा होगा बासा महोग, 6 किलोमीटर जो आपको दिख रहा है बासा महोग, ये सामने बोर्ड देखेंगे। अगर आप संधू से वसा महोग सड़क है, 6 किलोमीटर की सड़क है, बट हमें सिर्फ 1 किलोमीटर जाना है, उसके बाद ट्रैक करना है। ये सामने गाड़ी खड़ी है मेरी, ये नीचे वाला मेन सड़क चली गई जो नारकंडा की तरफ जाती है, आपने इधर को मुड़ जाना है। ठियोग से 8 किलोमीटर यहाँ से बोर्ड आप देख सकते हैं। मतियाना यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है, ठियोग यहाँ से, मतियाना यहाँ से 8 है और ठियोग वापस, मतियाना आगे को जाता है और ठियोग पीछे को है, ठीक है जी। तो गाइस अब यहाँ से चलते हैं आगे, जगह का नाम गनागन, जगह इज वेरी बहुत ब्यूटीफुल जगह है मैंने सुना। देखते हैं आज, वहाँ बर्फ़ तो नहीं है ज़्यादा, बट उम्मीद करता हूँ आपको ऊपर जाके व्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे। स्टे ट्यून्ड। तो यार इस जगह पे पहुंचा हूँ मैं, और बड़ी प्यारी बेल्ट है, बड़े अच्छे से घर हैं यहाँ पे। पहाड़ में वैसे भी घर बहुत ब्यूटीफुल बने होते हैं, और बड़ी सुंदर सी बेल्ट है। मैं पहली बार आ रहा हूँ, ऐसे सेब के पेड़ लगे हुए हैं ना नीचे इधर, अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ देखो बढ़िया वाली, मतलब आप मतलब मार्च में आओगे ना, अप्रैल में आओगे, फ्लावरिंग हुई होगी यहाँ, बहुत ही सही लगेगा ये। देखो जगह बहुत अच्छी लगी मुझे, वेरी नाइस। ऐसी ऐसी ऑफ बीट जगहों पर आने का कुछ अलग ही मज़ा है यार, अपना ही मज़ा है कुछ, क्या बोलते हो। तो गाइज मैंने सोचा जब ब्यूटी शुरू हो ही गया तो आपको ब्यूटी दिखाई देते हैं। ये देखो ये सामने सेब के बगीचे, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से लगे हुए हैं, और नीचे पड़ी हुई है बर्फ़। और ये सामने का रास्ता, यहाँ से मैं आया हूँ, और ये नीचे हाईवे पड़ता है, जो हाईवे से ज़्यादा ऊपर नहीं है अभी, ये जो शिमला आपका नारकंडा वाला हाईवे है, नीचे सामने को बर्फ़ से ढके हुए ब्यूटीफुल पहाड़ एंड प्लेस इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ऑडियस है ना, बहुत गजब। तो मेरे ठीक पीछे जो है उधर ही मैंने गाड़ी पार्क कर दी, क्योंकि आगे कुछ लोग धूप सेक रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। तो वैसे भी ट्रैक ही है करने के लिए, और धूप भी आ गई, वाह क्या बात है। तो अभी हम चल रहे हैं, बस बीच में भगवान ने थोड़ी सी फ्लैश लाइट छोड़ी है, अब चल रहा हूँ मैं। और आपको आज भी बहुत अच्छे, वादा करता हूँ कि बड़ी अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाऊँगा आज, ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है मैंने सुना। Stay tuned. आज मैं स्पेशल लेके आया हूँ ये घर से, ये देखो ये मेरे घर में पड़ा था, ऐसे ही ये वाला रास्ता है ये। अब यहाँ से जाएंगे हम आपको कनाग लेके, सुना है बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है ऊपर से, बर्फ़ है पर साइडों में ही है इधर इधर। देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाती है और कहाँ से ऊपर चढ़ना है, अभी तो मुझे आइडिया नहीं है, ऊपर चल के बताता हूँ। तो ऊपर आके कुछ ऐसा शानदार व्यू आता है, ये देखो सामने,
धूप भी लगी, बीच में मज़ा आ रहा है। हालांकि चली जाएगी थोड़ी देर में, बट अभी बड़ा अच्छा लग रहा है धूप में। ये पहचान लीजिए, इस तरह के घर आएंगे। यहाँ से ऊपर को जाना, यहाँ पहुँचाऊँ मैं अभी, और यहाँ से देखते हैं समझते कि क्या है। लास्ट यहीं तक आ रही, इससे ऊपर नहीं आ रही गाड़ी अभी भी, ये समझ लो लास्ट है बिल्कुल यहाँ पे। यहाँ से ऊपर तो कैसा बर्फ है यार। यहाँ पहुँच गया और यहाँ आके तो भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। अगर ये ऐसी कनाग तक है तो इम्पॉसिबल है पहुँचना कनाग, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो भाई मेरी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ, मैं तो धस जाऊँगा इसमें ही अंदर ही, ऐसा लग रहा है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा है तो, और कच्ची बर्फ़ है, पैर ही धस जा रहा है मेरा तो इसमें। ये देखो ये बड़ी भारी बर्फ़ है यहाँ तो यार ऐसा लग रहा है ये जर्नी तो यहीं एंड करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि ये बर्फ़ जिस पे फुटस्टेप्स तक नहीं पड़े हुए किसी के, अभी जेन्युइनली बता रहा हूँ, आगे पता नहीं कितनी ज़्यादा भारी होगी। और वहाँ तो कम दिख रही है शायद, पर यहाँ इतनी ज़्यादा है कि आगे पैर कैसे रखूँ ही नहीं पता लग रहा है रास्ता कहाँ है। तो ये तो ऐसा लग रहा है दोबारा ये कंटिन्यू करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ तो। मैं ना अभी अपनी जर्नी एंड करते करते रह गया जस्ट बिकॉज इस बर्फ़ की वजह से, कि जिस रोड पे मैं आ गया वो रॉन्ग वे था और वो बर्फ़ इतनी थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। विल बी सरप्राइज टू सी कि मेरा पैर कहाँ जा रहा है, कितना अंदर जा रहा है। ये देखो हैवी स्नोफॉल है यहाँ पे, हैवी। मैं इतना गलत मत आ जाना, ये पानी की टंकी है, ये रास्ता बना हुआ है यहाँ से, ये देखो ये रास्ता बना हुआ है इधर, ये पानी की टंकी, इसके साथ से ये है रास्ता। मैं गलत चला गया था, ये है रास्ता। और मैं तो सोच रहा था एंड कर देता हूँ ट्रिप का, इतनी बर्फ़ थी वहाँ तो हिम्मत ही नहीं होती जाने की। ये ठीक है, यहाँ से जा सकते हैं कनाग फाइनली। ये वाले मत जाना, आपको मिसगाइड कर दिया था, आपको खुद भी मिसगाइड हो गया था। उफ, वहाँ तो इतनी है कि हिम्मत ही नहीं होती आगे पैर रखने की, बट दिस इज़ फाइन। आजकल ना चाहते हुए भी एक्सट्रीम स्नो एडवेंचर हो जा रहा है वॉकिंग मेरे लिए, मैं क्या करूं। मुझे लगा था कनाग में बर्फ़ जा गल गई होगी, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ बर्फ़ नहीं होगी। बर्फ़ नीचे तो 3.5 फुट से ऊपर है, ऐसा लग रहा था पूरा धस जाऊँगा, टंकी धस गई थी पानी की पूरी। अब बचता है ये वाला रोड, सीधा सीधा आप इसको इंजॉय करो। ये तो भगवान का शुक्रिया कि धूप पड़ रही है तो ठीक लग रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपको कनाग तो ले जाऊंगा मैं। तो गाइस थोड़ा सा ऊपर आके इतनी ब्यूटीफुल जगह पहुंचाऊं। ये देखो यार, जब भी चैनल पे आते हो ना, एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाया करो, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इतनी अमेजिंग अमेजिंग ऑफ बीट प्लेसेस आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, और इतने टफ टाइम्स में यहाँ जा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, जगह बिना बर्फ़ के भी आना चाहूँगा यहाँ मैं, बट आपको अल्टीमेट मज़ा आने वाला है। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, बहुत सही लग रहा है। बर्फ़ में एक्चुअली थकते ज़्यादा हैं, जान ज़्यादा लगती है चलने में ना। वो देखो ब्यूटी तो एट इट्स बेस्ट, बट फ्रोजन पानी देखो, छोटा सा पानी का तालाब है, बर्फ़ जम गई ऊपर, सेट हो गया बिल्कुल। क्या शानदार जगह है ऊपर आके, क्या बोलते हो। आराम से व्यू दिखाता हूँ, देखो सही लग रही है ना। तो जी इस तरह का रास्ता आ रहा है कनाग के लिए, जिस पे मैं चलता जा रहा हूँ, है तो अकेला पर ठीक है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ का सामना करना पड़ा इस साल मुझे पैदल पैदल ही। ये देखो उधर से मैं आया हूँ, वो नीचे से, और नीचे तक पीछे तक बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है आपको, और अभी सीधे ऊपर जाना है, देखते हैं कितना चलना पड़ेगा, स्टे ट्यून्ड। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ बर्फ़ भी बढ़ती जा रही है। टूरिस्ट के लिए एडवाइस कोई नहीं है, ग्रुप में आ रहे हो तो कनाग आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी आ सकते हैं, मतलब बच्चों के चलने लायक बर्फ़ है ऐसा नहीं, वो शूज़ अच्छे लेके आना जिनमें बर्फ़ ना घुसती हो और पैर ठंडे ना होते हो। तो अभी तक तो ठीक ही है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि स्नो कम है, स्नो बहुत ज़्यादा है, बट चलने लायक बीच में रास्ता बन गया है, लगता है काफ़ी लोग गए हैं।
तो आप भी जा सकते हैं। ये देखो आसपास का व्यू तो ये है, इस तरह का ऊपर को जंगल, ज़्यादा घना भी नहीं है यहाँ पे जंगल। पता एक चीज़ बताता हूँ कैसे पता लगता है कि कोई रिसेंटली गया है या पहले गया है, जो फुटस्टेप्स होते हैं ना इन पे, जो ये बना होगा ना देखो ये, अब जैसे ये फुटस्टेप तो बना है पर ये जम गया है पक्का, तो मतलब ये ताज़ा नहीं है। अगर ये ताज़ा ही होता ना आज का तो ये नरम होता फुटस्टेप, मतलब जो शूज़ का पड़ता है ना प्रिंट नीचे। ये देखो भाई बर्फ़ के भार से कई बार जो बहुत भारी मतलब बर्फ़ गिरती है तो उसके भार से पेड़ वगैरह टूट जाते हैं, ये उसका एग्जांपल है। देखो ये वाला पेड़ क्षतिग्रस्त हो गया बर्फ़ में, जड़ से देखो कैसे फट गया उधर, ये होता है इतनी भारी होती है बर्फ़। ये देखो इस तरह का रास्ता, यहाँ तो जी बर्फ़ ने काफ़ी क्षति पहुँचाई हुई लग रही है, छोटी छोटी पेड़ की टहनियाँ लगभग लटक की गई हैं नीचे को। ये देखो कितने सारे पेड़ इसी तरह लटक गए हैं नीचे, देख रहे हो। ये तो शुक्र है यहाँ पे पैर के निशान है, तो थोड़ा आइडिया लग रहा है कहाँ जाना है, वरना तो पता ही नहीं लगना था। तो पैर के निशान मेरे को लग नहीं रहा ज़्यादा दूर है, मेरे को लग रहा है वही अकनार ऊपर। अब ये नीचे से घुस के फाइनली मंजिल पहुँच गई है। तो पेड़ों को भारी क्षति की वजह से टूट गए हैं और ऐसे ऐसे ये देखो ऐसे ऐसे झुक के आना पड़ रहा है। ये देखो पीछे क्योंकि रास्ते में ही गिर गए हैं, तो अभी क्या है। अब चली थी पहाड़ी की चढ़ाई ऊपर को मेजर बर्फ में। ये देखो क्या सही लग रहा है, यहाँ से ऊपर को चढ़ना है कहीं को। देखो आप ये पैरों को फॉलो करते करते ये बना हुआ पाथ, और ये सामने का पहाड़ का दृश्य बेहद खूबसूरत। चोटी पे आ गई है धूप और ऊपर ऊपर तक बर्फ ही दिख रही है, हैवी स्नोफॉल दिख रहा है। बट अब ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट चोटी टच कर ली है और सूरज देवता जी फुल पावर में प्यार करने आ गए हैं। ये देखो ये बस समझ लोगी शायद पहुंच गए, पैरों में बर्फ़ चली गई मेरे भी, सुन लोगे। ये देखो यार जब ऐसे व्यू के बाद थोड़ा सुनसान तो होता ही है, उसके बाद जब सामने एक घर सा या कुछ रेजिडेंस सा दिख जाता ना, वो दिख रहा है ऊपर, वो ऊपर थोड़ा सुकून मिलता है। नीचे पैर भी पड़े हुए थे किसी जानवर के, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कुत्ते के फुटस्टेप्स लग रहे हैं, मिर्ग या शेर के तो नहीं है, उनका बड़ा होता है पैर थोड़ा, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। बर्फ़ का पहाड़ जैसे रेगिस्तान होते हैं ना, वैसी लग रही है बर्फ़ यहाँ पे, वाह क्या नज़ारा है। शायद पहुँच गए हैं ऐसा लग रहा है। ओ यार यहाँ से अभी यहाँ जाना है, ये देखो फ्रेश स्नोफॉल में थोड़े बहुत पैर तो गए हैं। ये देखो अंदाज़ा ही नहीं है, एक बिल्डिंग ऊपर दिख रही है सीधे उसकी तरफ, पैर तो धसा जा रहा है बर्फ़ में। ये देखो ऐसा लग रहा है रेत के टीले नहीं बने होते, वैसी बर्फ़ है यार। ओ भाई साहब यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो पैर भी धस रहा है नीचे नीचे। ओ यार यहाँ तो बर्फ़ बहुत है भाई, यार इमेजिन नहीं कर सकते आप, मतलब बर्फ़ का हिसाब मैं बताऊँ, लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है ये ट्रैक आज तक का, सीरियसली बता रहा हूँ आपको। जस्ट बिकॉज कि मैंने इतनी हैवी स्नोफॉल में कभी ट्रैक नहीं किया था आसपास, और मैं दिल से बता रहा हूँ आपको। ये देखो वो देखो नीचे वो देखो, वहाँ से आया हूँ, इतनी हैवी स्नोफॉल में मैंने कभी ट्रैक नहीं किया था आज तक, और पैर तो धसे जा रहे हैं ना अंदर, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एडवेंचरस भी फील हो रहा है, और डरने की तो क्या बात है, बर्फ़ है बस। कम प्रिपेयर्ड, कपड़े वगैरह गरम, कान वगैरह गरम रखे आए, तभी हो पाएगा माता के दर्शन, तभी हो पाएंगे जी। ओए ओए, मेरा बर्फ़ तो आप देख ही रहे हो, ये देखो आसपास चारों तरफ है, चारों तरफ बर्फ़ के टीले हैं नीचे नीचे तक, और मैं हूँ और आप लोग हैं, अकेला नहीं हूँ, आप लोग साथ ही होते हैं। ये
ये देखो इस तरह मैं चल रहा हूँ, इस तरह झंडा भी दिख गया है माता का ऊपर, थोड़ी दूर है, उम्मीद करता हूँ पहुंच जाऊंगा। और आप लोग कहाँ से हो? ठीके बंदे देखो भाई, ओ भाई साहब मोटे खेल रहे भाई, लोग मिले मुझे यहाँ पे, ये देखो ये चल रहा है इधर काम, ओ भाई साहब ये खेल रहे भाई बर्फ में तो और कुछ ही भाई, ये देखो ठेक से हैं सारे और ठीक ही धुमा धुम मार रहे हैं, देखो ये देख लो भाई बंदे को ठीक है भाई करो एंजॉय, थैंक यू ओ भाई साहब। बट ये मेरी लाइफ का ये सबसे ज्यादा एडवेंचरस ट्रैक हो गया, बट दिल से बता रहा हूँ ये बर्फ में खासकर इस ट्रैक ने मतलब दिल खुश कर दिया मेरा, ये लाइफ की सबसे हसीन और सबसे अच्छी मेमोरीज में जाने वाला है मेरा ये वाला व्लॉग, सीरियसली बता रहा हूँ इतना मज़ा आया इसमें मुझे, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत आ रहा होगा। ये देखो जी फाइनली मैं पहुंच गया हूँ चोटी पे, ये है कनाग, माता को डेडिकेटेड है जगह, हो तभी माता इतनी खूबसूरत जगह पे रहती हैं चोटियों पे। ये देखो वो माता का मंदिर सामने, वो माता की चुनियाँ लगी हुई हैं, क्या जगह चुनी है माता ने अपने लिए, और वो जा रहे हैं लोग, अब हम इस बार यहाँ यहाँ से जाएंगे, हम पहले नीचे से आ गए थे, हो सकता है यहाँ से थोड़ा जल्दी पहुँचे। ये देखो जी ये देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस पहाड़, वाव शानदार नजारा, बहुत खूबसूरत। ये माता का स्थान है, ये देखो जी जय माता दी जय माता, ये सामने चारों तरफ माता को बर्फ ने घेरा हुआ है, इधर इधर ये देखो वहाँ वार्निंग्स भी लगी हैं कुछ, ये जय मैया, जहाँ से मैं आया हूँ वो नीचे सड़क दिख रही है, और ये खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है आपको, ये पहाड़ बेहद खूबसूरत चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे बनी हुई है, माता ने मंदिर बहुत ऊपर बनाया है, ये देखो ये दर्शन क्या बात है। यहाँ लिखा जी जय माँ कनागेश्वरी, माता के दरबार में अशुद्ध अवस्था में प्रवेश ना करें, जूते चप्पल चमड़े की सामान बेल्ट ले जाना वर्जित है, ठीक है जी, तो इससे आगे ना जाएं, मतलब वहाँ ऊपर जब माथा टेकना हो तो आप जाएं तो जूते चप्पल बेल्ट वगैरह यहीं छोड़ दें, ठीक माथा टेकें यहाँ पे, आप सब की तरफ से मैं नमन कर रहा हूँ, जय माता दी जी। जब इस चोटी तक पहुँच जाते हो तो विश्राम करना तो बनता ही है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर पत्थर पर बैठ के, थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ, मुझे लगभग 30 से 40 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ में, वरना नॉर्मल आओगे तो 30 मिनट में हो जाएगा आराम से। पीछे का व्यू बेहद खूबसूरत है, उस साइड पूरी बर्फ़ है, इस साइड गल चुकी है क्योंकि धूप तेज़ पड़ रही होगी, तो बस यहाँ हो तो थोड़ी देर बैठो, गंदगी ना फैलाएं, थोड़ी देर चाहे तो मेडिटेशन कर लें, आसपास अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचें और मंदिर का ध्यान रखें जो वार्निंग्स लिखी हैं, ठीक है जी। तो अब बैग टिका देता क्योंकि मैं घर से खाना लेके आया था और मुझे लगी है भूख, जूते खोल दिए मैंने क्योंकि सॉक्स तो बिल्कुल गीली हो गई है और शूज़ भी बिल्कुल गीला हो गया है यहाँ पे। वैसे तो ऐसे प्ले जगह के लिए ना डक शूज़ नहीं होते, डक बैग जो आइडियल होते हैं, उनमें बर्फ़ नहीं जाती अंदर, उन्हें गीले भी नहीं होते सॉक्स वगैरह ना, तो हो गए गीले, देखो अंदर अंदर तक बर्फ़ चली है, झाड़ने पड़ेंगे अभी, ठंड लग रही है पैर में। बैठ के थोड़ी देर लंच लाया हूँ घर से, सोचा लंच इन्जॉय कर लेता हूँ, चपाती है, सब्जी है जिसमें आलू और मेथी की सब्जी है, सामने का नज़ारा ज़बरदस्त, लंच कर लिया मैंने ख़त्म, भूख लगी थी मुझे बहुत और आ गया मज़ा। तो भाई पहाड़ में आके तो माउंटेन ड्यू ही पीना बनता है, डर के आगे जीत है, तो यहाँ के तो मैं ड्यू लेके आया था स्पेशली आज पहाड़ में कि ड्यू पीऊँगा आज तो ऊपर जाके, भाई क्या बात है यहाँ भी अलग ही फीलिंग आ रही है बर्फ में ड्यू की। तो जी जय माता दी बोलते जाइए और चलते जाइए क्योंकि अब समय हो चुका है वापस चलने का, क्योंकि काफ़ी देर से मैं यहाँ घूम रहा हूँ और लगभग 4 बजने वाले हैं, शाम को पहाड़ों से नीचे उतर जाना चाहिए वक्त रहते, तो मैं वही करने की कोशिश में हूँ अब।
शानदार नज़ारे के साथ। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे बड़ा मज़ा आया आज। यहाँ पे इतना ऊपर आके बना तो है कुछ ही है, सराय तो नहीं लग रही क्योंकि बंद है, पर भंडारा वगैरह होता होगा तो उसका सामान ड्रम्स वगैरह पड़े हैं यहाँ पे ना। ये नीचे को यहाँ से अब नहीं देखना है कुछ नहीं, अब तो यहाँ से डायरेक्ट भागना है। भाई आग जलाई हुई किसी ने, धुआं निकल रहा है, वही लड़के थे शायद जो वो जला के गए हैं, थोड़ा सा सीख ले हैं सी। तो जी ये है फाइनल नज़ारा, ये देखिए सामने पहाड़ बेहद खूबसूरत, और अभी हमने जाना है यहाँ से वो नीचे। यहाँ थोड़ी पक्की है बर्फ, तो अब भागते हुए जा रहा हूँ मैं, और ठंड भी लग रही है। ओ यार मेरी यार देखा टांग कैसे ऊपर उड़ी थी। ये ठीक है रास्ता, काफ़ी सारे लोग इस पर भी आए हैं, पर बर्फ़ के बीचों बीच है। इधर इधर तो देखो, ये देखो, ये देखो कितना गया, देखो इस पर भी काफ़ी सारे फुटस्टेप्स हैं। शायद पहले मैंने थोड़ा सा लॉन्ग ले लिया है कट, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये चढ़ाई बेशक है पर उधर वाले से थोड़ा लंबा रास्ता था, इधर वाले से फुटपाथ काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, और ये थोड़ा शॉर्ट भी लग रहा है मुझे, पैर भी अच्छा टिक रहा है इस पर इधर से। तो यार अभी ना इस रास्ते से आ रहा हूँ मैं, देखो सीधा ही शॉर्ट है ये उस वाले से, जैसे मैं ना नीचे नीचे से आया, उधर 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 से कहीं से आया हूँ, और यहाँ से तो मैं ऐसा लग रहा है मेरे को कि ऐसी स्लाइड बनी हुई है कि फिसलते हुए आराम से जाऊंगा, और यहाँ काफी सारा फुटस्टेप्स है इस पे। तो यार वापस ये समझ लो कि यहाँ थोड़ा सा नीचे घर आ जाते हैं। मैंने आपको याद है एक जगह दिखाई थी पीछे जहाँ पे वो पॉन्ड जैसा था पीछे बना हुआ पानी फ्रोजन, यहाँ पहुंच गया। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ ऊपर जाके मैंने कहीं लेफ्ट को काट लिया। अगर आप सीधे चढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट जाएगा सीधी पहाड़ पे, फर्क इतना है कि सी और लेफ्ट को थोड़ा लेफ्ट को काटेंगे, इधर को जाते हुए थोड़ा सीधा सीधा है, ये सीधी चढ़ाई है, बट नीचे को तो बहुत ही अच्छा है। 15 मिनट में उतर गया मैं नीचे भागता भागता, थका भी नहीं। पर ऐसे जाओगे तो थोड़ी चढ़ाई पड़ेगी, पर ये भी बोर्ड है देखो, ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है सामने, वो देखो कहाँ गया, वो बोर्ड दिख रहा है ये वाला, ये बोर्ड है। बस यहाँ से ये ट्रैक फॉलो करते हुए सीधे चले जाना, बिल्कुल ही सीधा मुड़ना नहीं कहीं को, डायरेक्ट पहाड़ चढ़ जाना, डायरेक्ट मंदिर ही निकलोगे। सो गाइज़ ये ट्रिप अनफॉरगेटेबल रहेगा, और मेरी मेमोरीज़ में, मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज़ में जुड़ा रहेगा ये ट्रिप। याद रखना पानी की टंकी ये वाली, उसके साथ से होके इधर 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 से रास्ता, हर जगह से बेहद खूबसूरत डिवाइन नज़ारा ये पानी की टंकी। हेलो छोटे छोटे बच्चे नीचे, वो यहाँ पे एक्चुअली बहादुर होते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं पहाड़ी लोग, इनको हायर कर लेते हैं ताकि आपके सेब के बगीचे पूरी साल तक इनकी देखरेख होती रहे। यहाँ देख रहे हो कितनी रिच बेल्ट है, सेब देख रहे हो यहाँ से लेके वो देखो नीचे तक, सेब ही सेब लगा हुआ है। सो गाइस फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ, और आपको बता दूँ यहाँ आने के बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ट्रैक आप 10-12 साल का, अगर आपके बच्चे हैं उनके पास जूते अच्छे हैं गर्म कपड़े लेके आए हो तो आप ये ट्रैक कर सकते हो। बहुत सारे लोग शिमला के आसपास ढूंढ रहे होते हैं कि ट्रैक कौन सा है जो पास में है और किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से ऊपर जाने में मुझे लगे 45 मिनट्स, और नीचे आने में लगे 15 से 20 मिनट क्योंकि उतराई थी। तो मैं बता सकता हूँ कि आप इतनी फॉन्ड मेमोरीज लेके जाओगे ना, जो वादियाँ ढूंढ रहे हो बर्फ़ में आ रहे हो तो बर्फ़ के पहाड़ उनके बीच में से चलना अलग ही एडवेंचर हो जाएगा आपका, और बर्फ़ नहीं भी है तो एक अलग एडवेंचर, एक ट्रैक होगा जो मॉडरेट सा ट्रैक है कोई भी कर सकता है, और फुल ऑन ब्यूटी और मेमोरीज से भरा हुआ ट्रैक है, सेब के बगीचे और सब कुछ। तो अभी के लिए ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड माय फ्रेंड्स, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, सब्सक्राइब कर लेना sandy_shimla मेरा इंस्टाग्राम आईडी, उस पर जुड़ सकते हैं, थैंक यू, टेक। चलो जी वापस पहुँच गए, अब चला जाए घर, और पोलो ठीक है।